वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मॉनसून है और फ्लावर गार्डन ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आज मैं आपको सैर कराऊंगी फ्लावर गार्डन की। चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे आज भीड़ देख सकते हो लोगों की, कितने लोग आए हुए हैं, और उधर सामने जो आपको जगह दिखती है वहाँ पे है टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट 25 रुपीज़ का टिकट लेके आपको अंदर एंट्री मिलती है। और ये पूरे बार का एरिया है यहाँ का। तो टिकट हम लोगों ने ले लिया है, अब हम जाएंगे फ्लावर गार्डन के अंदर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, मैं आ चुकी हूँ फ्लावर गार्डन के अंदर, और अंदर आते ही बहुत सारी ग्रीनरी और एक एटमॉस्फेयर तो यहाँ का इतना अच्छा है, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। फ्लावर्स भी बहुत सारे हैं, मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ। तो अंदर आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर फाउंटेन बने हुए हैं, और ये बीच में से बना हुआ है। इसमें भी बहुत सारी जगह है, सीटिंग अरेंजमेंट है, घूमने का है, बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो सामने आपको फोटो जो फोन रोल हो रहा है वो आपको दिख रहा है, इससे आप अपना फोटो रील यहाँ पे। इस फ्लावर गार्डन के बीचों बीच ये एक पॉइंट बना हुआ है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, आजू बाजू में फाउंटेन लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या आता है। लेट्स गो। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये गार्डन एक तरह से। तो फ्लावर गार्डन में हम लोग घूम रहे थे, हमको बीच में दिखा ये भूलभुलैया मेज। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं हम लोग इससे बाहर निकल पाते हैं या नहीं। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गलियां बनी हुई है, देखते हैं हम लोग बाहर निकल पाते हैं नहीं निकल पाते हैं यहाँ से। चलो चलो चलो। आप सामने देख सकते हो यहाँ पे रास्ता बंद है, अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाए। हम लोग कब से घूम रहे हैं, हमको रास्ता ही नहीं मिला। तो हम लोग जैसे तैसे फ्लावर गार्डन में घूमते हुए आगे आता है ये मिनी सा माउंटेन, जहाँ पे हम लोग बैठ के चिल कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, बहुत मजा आता है। इस पे भी मैं जाऊंगी और वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो। प्लांट्स का यूज करके कुछ इस तरह से स्टैचूज बने हुए हैं, आप सामने देख सकते हो एनिमल्स के स्टैचूज हैं ये। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं। जो सामने आपको दिख रहे हैं ये है कवि नर्मद, और उनका जो है स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है, और उनके इर्द गिर्द पूरे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ग्रास लगी हुई है, प्लांट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे।
तो एग्जिट की तरफ जाते ही हमको दिखता है ये किड्स प्ले एरिया। जैसा कि आप सब देख सकते हो एग्जिट की तरफ बने हुए ये बच्चों के लिए झूले। तो हमने फ्लावर गार्डन बहुत ही अच्छे से घूम लिया है, बहुत ही मजे किए हम लोगों ने, बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज ली, मतलब मेमोरेबल एकदम हो गई है ये जो फ्लावर गार्डन का विजिट था, एकदम मेमोरेबल हो गया हमारा। तो मैं जब लास्ट टाइम विंटर पे आई थी तब भी मैंने व्लॉग डाला, आप मेरे चैनल पे जाके वो व्लॉग देख लेना और मैं उसकी लिंक भी मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख लेना। वो भी मैंने बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करके आपको दिखाया है। तब ज़्यादा फ्लावर्स नहीं थे इतने, और मॉनसून में जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स रोज़ हमको देखने को मिले, तो बहुत ही मज़ा आया।